बम्बैया तर्ज पर जो कथा सुनाई जाती है उसमें समझ में आने वाली नहीं है, इसको ठीक से समझिएगा। जहां भी भागवत में, चाहे वो रुक्मिणी हो, चाहे यशोदा हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे कोई भी स्त्रियों की अगर बात आई है तो इस स्त्री का मतलब है बुद्धि। जैसे यशोदा अगर कहा तो यशोदा माने यश दिलाने वाली बुद्धि, और अगर कुंती कहा तो कुंतल बुद्धि, कुंतल हमारे सुंदर भक्तिमय बुद्धि। उत्तरा अगर कह दिया कहीं तो उत्तरा माने सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली बुद्धि। ये ध्यान रखेंगे तो कथा समझ में। अब आप बताइए, द्रौपदी जैसी तेज बुद्धि अगर चाहिए तो पांच पति चाहिए, और पांच पति द्रौपदी के कौन है? मैं अगर असली शब्द में आपको बता दूं तो श्रोत्रम त्वग दृग रशन नाशिका, ये पांच पति उसके असली थे। श्रोत्रम, श्रोत्र माने कान पर कंट्रोल, त्वग माने चमड़े, चमड़े स्पर्श पर, चमड़े पर कंट्रोल, दृग आंख पर कंट्रोल, रशन जिह्वा पर कंट्रोल, और नासिका माने नाक पर कंट्रोल। ये पांचों पर जिसको कंट्रोल पावर हो वो द्रौपदी जैसी बुद्धि प्राप्त कर सकता है, उसको द्रौपदी मिले। अगर द्रौपदी जैसा माइंड चाहिए, द्रौपदी जैसा तेज चाहिए, तो पांच चीजें केवल कंट्रोल करिए। यही पांच पति हैं उसके, नाम भले उसका रख दिया युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम, यही पांच पति। तो सबसे पहला श्रोत्रम, कान पे कंट्रोल। कथा भागवत की हो रही हो और लीड लगा करके कान में सुन रहे हो आप गंदे गाने, तब तो द्रौपदी जैसी बुद्धि हो ही नहीं सकती। पहला पति तो मुर्दा है आपका, कहां से द्रौपदी जैसा माइंड मिलेगा आपका? पहले ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए कान का बड़ा महत्व है मेरे भाई। आपको मैं बता दूं, माताओं से भी बहनों से भी बता दे रहा हूं, आप लोग को भी, कान में लीड लगा करके जैसा गाना सुन करके रोटी बेलेंगे तो वो खाने वाले का माइंड भी वैसे होगा। बेटे को बनाना चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, और कान में लीड लगा कर गंदे गाने अश्लील सुन करके रोटी बेलेंगे, वो खाएगा? ये ध्यान रखना है, ये पवित्रतम चीजें हैं। इसीलिए कहा जैसा अन वैसा मन, कान की बड़ी महिमा है। कान को कंट्रोल करो, और दूसरा त्वक, त्वक माने स्पर्श। आपको मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, जैसे स्पर्श, जैसे द्रौपदी जैसे माइंड के लिए स्पर्श कैसा होना चाहिए। जैसे एक मेरी लड़की है 16 साल की, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरी लड़की तो 25-26 साल की हो गई, शादी ब्याह हो गई। मेरी उदाहरण मान लीजिए, एक मेरी लड़की है 16 साल की, और आई मेरे बगल में बैठ गई और गला पकड़ के लटक गई, कैसा लगा? और वही एक मेरे दोस्त की लड़की है 16 साल की, वो भी आकर के मेरे कंधे में हाथ रख कर कही, तो कैसा लगा? अगर बेटी ने स्पर्श किया और दोस्त की लड़के ने स्पर्श किया, दोनों एक जैसा लगा, तो आपका माइंड द्रौपदी जैसा ही होगा। अगर बेटी के छूने का अलग भाव रहा और अगर दोस्त की बेटी के छूने का भाव बदल गया, तो जिंदगी में द्रौपदी जैसा माइंड कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। इसलिए पति केवल ये कह देने से नहीं होता है, कुछ भी किसी को कह दीजिए, भागवत से भागिए मत। श्रीमद् भागवत के वाक्य को ठीक से समझिए, तो पांच चीजें एक हो जाए तो ये पांचों पति बनेंगे मेरे माइंड के। ये माइंड की तेज माइंड ही द्रौपदी है, और ये पांचों पर कंट्रोल ही मेरा पति है पांच। या यूं कह दीजिए कि पांच ज्ञानेंद्रियां पति हैं पांच, और पांच कर्मेंद्रियां द्रौपदी के पांच पुत्र हैं। पांच कर्म अच्छे करो ये पांच पुत्र हैं, और पांच ज्ञानेंद्रियां कंट्रोल में रहे ये पांच पति हैं। दसों ठीक तो 11वीं द्रौपदी का माइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर जीवन तो ऐसा चाहिए। मैं काशी से आया हूं,
मेरे गुरु ने इतना सिखाया है, लाखों खर्च करके और इतना कीमती समय निकाल के अगर कोई आता है और अगर श्रीमद् भागवत से हट करके कोई बात कहे तो ये भागवत के लिए नाइंसाफी होगी। और इसे समझना, मेरी समझ में आ रहा है कि थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे तो ये चीजें समझ में आएगी। इसी प्रकार से आंखों को समझ, आंख के नियत अच्छी होनी चाहिए। माइंड अगर तेज चाहिए तो आंख कैसी चाहिए? अपने से छोटी हो तो बेटी जैसे, बराबर की हो बहन की नजर, बड़ी हो माँ जैसे, तो माइंड मिलेगा द्रौपदी का। छोटी हो चाहे बराबर हो चाहे बड़ी हो, सब जगह गंदा नियत चली जाए तो कभी भी नहीं मिलेगा माइंड द्रौपदी का। तुम क्या क्रांति पैदा करोगे? इंद्रियों को मुर्दा पर मत बनाइए, द्रौपदी का माइंड अगर चाहिए। और यह कथा द्रौपदी की ही हो रही है, इसलिए श्रोत्रम कान त्वक स्पर्श दृग आसे, श्रोत्रम त्वक दृग रसन, जीवा पे कंट्रोल, जीव को भी कंट्रोल करिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना निर्णय, अगर तेज माइंड चाहिए तो। और नाक, नाक पे भी कंट्रोल, नाक माने सूंघना, तत्र गंधवती पृथ्वी। कोई व्यक्ति मरा पड़ा है, उसकी मां रो रही है, सहारा देने के लिए हाथ जोड़ रही, भैया थोड़ा कंधा दे दो, और तुम नाक बंद करके ऐसे जा रहे, तुमको दुर्गंध लग रही है तो तुम्हारा माइंड कमजोर है। इसमें भी नजर रखिए, पूरे समाज का ताना बाना इसी पांचों पतियों पर है, ऐसी पतियों की रक्षा करने वाली द्रौपदी। इस अर्थ में अगर लगाइएगा तो द्रौपदी की कथा समझ में आएगी। और ऐसे लगा लेंगे कि कोई एक स्त्री है उसके पांच पति हैं, नहीं लगे, ये वो कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। ऐसे श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझेंगे तो कथा बहुत जल्दी उतरेगी। महाभारत को भी देखे, दुर्योधन प्राण छोड़ने वाला है, युधिष्ठिर का राज तिलक होने वाला है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज कृष्ण कहते हैं अर्जुन भीष्म को मार दो, क्या ये अच्छी बात है? परिवार का बड़ा बुजुर्ग जिसकी गोदी में खेला अर्जुन, कृष्ण कहते मार दो, क्या अच्छी बात है? तो जब नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो आप भी कहेंगे कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, बड़े बुजुर्ग को मारना ठीक। अगर ठीक से भागवत आप पढ़ लेंगे तो आप भी कहेंगे कि भीष्म को मारो। कृष्ण ने इतने तो अर्जुन से कहा, अर्जुन महाभारत अगर जीतना है तो दो को तुम पहले मार, भीष्म और द्रोण। अब भागवत की भाषा अगर समझ लीजिए ठीक से तो आप भी कहिएगा, अगर अभी कहेंगे तो आप नहीं कहेंगे मारने के लिए, लेकिन आप समझिए भागवत के अनुसार भीष्म माने, भीष्म शब्द का अर्थ होता है भीष्म माने भ्रम, और द्रोण माने दुविधा। फिर से सुन लीजिए ठीक से, कहानी कोई सुनाए तो कुछ भी सुन लीजिए, क्योंकि सत्यवती का बेटा या किसका अंदलु का बेटा किसका बेटा महाभारत में हस्तिनापुर की रक्षा करने वाला माँ भी, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भागवत के अनुसार अगर कोई कहेगा तो इतने कहना भीष्म माने भरम और द्रोण माने दुविधा। सारी जिंदगी भ्रम की जिंदगी जिया है भीष्म, सारी जिंदगी दुविधा में जिया है द्रोणाचार्य। अगर आपके जिंदगी में भी दुविधा है, चार बेटे हैं, किसी से ज्यादा प्रेम करते हो, ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा, छोटा कमाने वाले के छोटा, अगर इस दुविधा में आप जी रहे हो तो तुम भी द्रोणाचार्य हो। महाभारत कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए दुविधा खत्म करिए, धर्म का रास्ता अपनाइए। और द्रोणाचार्य दुविधा में जिंदगी जिया, और यही कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं व्यक्ति को मारने के लिए नहीं करा अर्जुन, भ्रम को मारो और दुविधा को मारो, महाभारत जीत लो। और आप लोग भी अगर महाभारत जीतना चाहते हैं तो अपने जिंदगी का भ्रम तोड़िए और जिंदगी की दुविधा छोड़िए, दुविधा और भ्रम खत्म हो गया तो जिंदगी में कथा शुरू। भगवान ने क्या गलत कहा, ध्यान रखेंगे।
अगर भागवत सुनना है तो दुर्योधन को खत्म करना होगा, दुर्योधन को समाप्त करना होगा। और ये ऐसे खत्म नहीं होगा। अगर पूरे गांव में भागवत का आनंद लेना है तो पूरे गांव का पहले महाभारत खत्म करो। अगर घर में भागवत करानी है तो पूरे घर का महाभारत खत्म करो। और स्वयं को अगर भागवत सुननी, खुद को अगर भागवत सुननी है तो अपने शरीर के भीतर भी महाभारत जो चल रहा है उसे भी खत्म करो। हर व्यक्ति के भीतर महाभारत चल रहा है कि नहीं? अच्छे विचार पांडव सेना, गंदे विचार कौरव सेना। 24 घंटे में दिन रात में कभी अच्छे विचार, कभी गंदे विचार, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे आते हैं कि नहीं? ये तो महाभारत की लड़ाई चल रही है, सारी जिंदगी लड़ाई चल रही है। ऐसे तो भागवत तुम सुन ही नहीं पाओगे कभी। जिस दिन गंदे विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और अच्छे ही अच्छे विचार का राज्य हो जाएगा, उसी दिन महाभारत समाप्त और भागवत की कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए भागवत की कथा अगर सुननी है तो महाभारत को समाप्त करिए। गांव का खूब कोशिश करिए, परिवार का भी करिए, और असली रूप में अपने भीतर का भी महाभारत समाप्त करिए, फिर कथा का आनंद लीजिए। मैं उस भागवत की बात कर रहा हूं, और महाभारत भी चल रहा है और भागवत भी सुन रहे हो तो क्या समझ में आएगा? और यही स्थिति थी। आप देखिए, जब अश्वत्थामा चला, प्रभु की लीला बड़ी निराली है, इधर भगवान कृष्ण का संदेशा आया, पांडवों के शिविर में मीटिंग चल रही है, राज्याभिषेक कल होना है, अभी मरा नहीं दुर्योधन, और राज्याभिषेक की तैयारी, गलती तो यही है। अरे मर तो जाने देते, ठीक से मरा नहीं, बस ये आभास है। कृष्ण ने कहा रात तक में तो मर ही जाएगा, कल राज्याभिषेक कैसे होगा द्रौपदी को ही बुला के पूछ लो। द्रौपदी चली गई विचार विमर्श करने। और इधर सुना, अब एक बात यहां जरा सुनिएगा, जब वह द्रौपदी बच्चों को सुला रही थी तो चार बच्चे तो खा पी के सो गए, पांचवा जो सबसे छोटा सहदेव का बच्चा था, श्रुतसेन छोटा था, जब उसने कहा कि माँ तुम जा रही हो कहीं, बोले हम अभी आते हैं, बोले तो तुम आ जाओ तभी हम खाएंगे। और उस समय पायसम निर्मितम दिव्यम चखाद द्रौपदी स्वयं खिला रही है बेटे को। चार तो खा करके सो गए, पांचवा कहता है माँ तुम लौट के आओ। बोले क्यों? बोले माँ हम तो तुम्हारे हाथ से खाएंगे और तुम्हारे ही गोद में सोएंगे, और चली जाओगी तो फिर तुम्हारी गोद में सो नहीं पाएंगे, इसलिए अब जाके काम करके आओ, फिर अपने हाथों से खीर खिलाना, फिर तुम्हारी गोदी में माथा रख करके माता हम सो जाएंगे। जिद किया बच्चा, तो द्रौपदी चली गई। इस द्रौपदी को क्या पता कि अब मेरा बच्चा पुनः नहीं मिलेगा। ये बहुत कारुणिक दृश्य है। खीर का कटोरा वहीं रख दिया और वह बच्चा उस अपनी मां को इंतजार कर रहा, मां आएगी खीर खिलाएगी गोदी में सो जाएंगे। अब द्रौपदी चली गई शिविर में, ज्यों शिविर की तरफ गई सूनी जगह देखा और वह कटोरा, वो झांकी कभी अगर भागवत की आप देख सको पढ़ सको, वह कटोरा ऐसे बगल में रखा, उसी को देखते वो आंख लग गई और बच्चा भी लुढ़क गया। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के पहुंच गया। पांडवों को मारने की ताकत थी नहीं, इन पांचों बच्चों को एक एक करके हर बच्चे के तीन तीन टुकड़े किया उसे, तीन तीन। और हृदय विदारक दृश्य तो तब होता है कि जब पांचों को मस्तक काट करके तीन तीन टुकड़े करके जब नंगी तलवार लेकर निकला तो नकुल ने दूर से देखा, रक्त से लगी हुई तलवार, सीधे जाकर के द्रौपदी को बताया। द्रौपदी दौड़ करके गई,
द्रौपदी दौड़ करके गई। आज जब दौड़ कर द्रौपदी गई तो पांचों बच्चों के तीन तीन टुकड़े देखा। अब आप बताओ द्रौपदी को कितनी तकलीफ हुई होगी कि कोई व्यक्ति बोल सकता है, सुन पाएगा कोई? हृदय के पांच टुकड़े सामने मृत पड़े हो तीन तीन टुकड़े के रूप में, वह मां का कलेजा कितना काम करेगा? भैया अवाक रह गई। मूकं दृष्ट्वा नेत्रो सुप्त्वा द्रवित कंपः हृदयं च विदार्यते। इस शब्द है नेत्र स्तब्ध हो गए, कंठ सूख गया, शरीर रोमांचित हो गया, अवाक क्या हो गया। इतने में धीरे धीरे खबर मिली, सब इकट्ठा हो गए, पांच पांडव आ गए और भी जो बचे हुए थे लोग आ गए और कृष्ण भी आ गए। मेरे ठाकुर जी को तो शायद सब पता रहा, लीला तो सब उनकी है, सांस भी नहीं चल सकती उनकी कृपा के बिना, लेकिन उनकी लीला में बहुत कुछ छिपा हो सकता है। कृष्ण भी आ गए, कृष्ण भगवान ने कहा कृष्णा क्या हो गया? तो उस समय द्रौपदी का यहां पर पूरा चार श्लोकों में रोने का वर्णन है, लेकिन एक शब्द में मुझे बड़ा एक श्लोक की अर्धाली बड़ी विचित्र लगती है। उस समय द्रौपदी चांदी के कटोरे में खीर रखी थी, बस उसको उठा करके कहती है कृष्ण चार तो खा लिए थे पर इसने जिद किया था कि लौट कर खिलाना, दुख इस बात का है कृष्ण कि ये मेरा बेटा भूखा ही मर गया, तड़प कर मर गया। ये आस इसके जिंदगी की थी कि मां खिलाएगी और गोदी में सोएंगी, अब ये कभी नहीं खाएगा। लेकर के रोने लगी, आंख से आंसू, अर्जुन दौड़ा आंसू पोंछने के लिए, कृष्ण ने पकड़ लिया, अर्जुन रो लेने दो, इतनी तकलीफ में जितने ही आंसू इसके गिर जाएंगे उतना ही इसको आराम मिलेगा। वह दृश्य अगर कभी देखना हो, लेकिन थोड़ी देर बीते अर्जुन से रहा नहीं गया, तब अर्जुन आगे बढ़ा। द्रौपदी केवल भगवान कृष्ण के सामने एक ही बात कहती है, प्रभु ये पांच हृदय के मेरे टुकड़े थे, आपको पता है किसने मारा? इतनी कठिन परिस्थिति में भी संयम देखिए द्रौपदी का, धैर्य देखिए, यही भागवत है। द्रौपदी ने कहा आपको पता है किसने मारा? कृष्ण ने कहा ना, जानती हो? तो शब्द क्या बोलती है, प्रभु विप्रवर ने इनको मारा है। पांच टुकड़े हृदय के हमारे विप्रवर ने इन्हें मार डाले। विप्रवर न विप्र कहा केवल, न ब्राह्मण कहा, न पापी कहा, विप्रवर। कोई आपका बेटा मारेगा और आप उसको सम्मान के साथ बोलोगे? इस कठिन परिस्थिति में भी कहती है और रो रो करके कहती है कि विप्रवर ने इन्हें मार डाले। कृष्ण भगवान ने आंख बंद करके कहा द्रौपदी तो सच में मेरी भक्त है, इस कठिन धैर्य परिस्थिति में भी धैर्य रखा। बोले तुम क्या कहना चाहती हो बोलो। तो द्रौपदी धीरे से केवल कृष्ण के कान में कहती है कि गोद सोनी हुई मैं अभागन हुई, हाज किस्मत ये कैसी हमारी। कान में आंख के आंसू संभाली हुई है लेकिन बाणी संयम है, और उस समय भी द्रौपदी कहती है कि थे नहीं दोन गुरु ऐसे मेरे, मेरे गुरुजी तो ऐसे कभी नहीं थे,
उनका बेटा ऐसा क्यों हुआ? जो गुरु मेरे जीवन में ऐसा नहीं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी एक गलती तुमने कहीं की है। बच्चों को जब भी सुलाया करो, और माताओं का भी ये नियम है, सोते हुए बच्चे पर कभी भी दुराग्रह कोई राक्षस भूत प्रेत ना करे। इसलिए जिसको हम कहते हैं ना कि माताएं लोरी सुना करके सुलाती हैं, लोरी का मतलब क्या है कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सुलाने लगे, तो जब बच्चा सोने लगे रात में विशेष करके, तो कान में, दाहिने कान में माँ धीरे से कहे, हे कृष्ण रक्षा करना, या जिसको भी अपना इष्ट देवता मानते हो उस देवता का नाम कान में सुना दो। अब उस देवता की जिम्मेदारी बन जाएगी कि रात में जब तक मां निश्चिंत है तब तक किसी प्रकार की बाधा इस बच्चे के पास नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसलिए माताओं का धर्म है कि जब भी छोटे बच्चों को सुलाएं, तो सुलाते समय अंतिम में जब बच्चा सो जाए तो उसके कान में अपने इष्ट देवता का नाम ले ले और निश्चिंत होकर के सो जाओ। सकुशल बच्चा सुबेरा, और यही स्थिति है जब बच्चा सुबेरे निकल करके स्कूल खेलने के लिए कहीं जाए तो उसे जाते समय भी कान नहीं पकड़ना चाहिए किसी का, लेकिन माँ को अधिकार है कि दाहिना कान पकड़ करके धीरे से यूं पकड़ कर ऐसे दो बार ऐसे हिला कर कहे और अपने भगवान का नाम सुमिरन करके कहे जाओ खेलो। कहीं भी जाएगा बच्चा काल से भी लड़कर सकुशल आएगा, ये उस देवता की जिम्मेदारी है। यह छोटी छोटी चीजें हमारे श्रीमद् भागवत का सूत्र है और यही बताना श्रीमद् भागवत का मकसद है, और इसी चीज को जीवन में आचरण में लाना, कुशल रहना, परिवार सुरक्षित रखना, यही मेरी भागवत का मकसद है। इसलिए मैं कहता हूं भागवत कोई कहानी नहीं है, भागवत कोई कागज का पन्ना नहीं है, भागवत कोई मनोरंजन नहीं है। एक शब्द में अगर कहें हम तो इतना कह सकते हैं भाई मेरे कि श्रीमद् भागवत मनुष्य का जीवन है। ऐसे जियो जैसे ये कथा कहती है वैसे जियो। ये जीवन है मेरा, जीवन को जीने के तरीकों को सिखाने वाला ये कानून है। इसलिए अपने कानून को बार बार सुनो, कई बार सुनो, जितनी बार मर्जी उतनी बार सुनो, भूलने लगे तो फिर कथाओं में जाके शामिल होकर के सुनो, ये मेरे जीवन का कानून है, सब कुछ ठीक रहेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तुम भूल रही हो, बच्चे अचानक मर गए, सोते समय मर गए, इसका मतलब है कि कान में सोते समय तुमने किसी देवता का नाम लिया। द्रौपदी ने कहा लिया तो था। भगवान ने कहा किसका नाम लिया था? तो चारों तरफ से देखा, भीड़ लग गई धीरे धीरे, मेरे ठाकुर जी की बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, ये भी तो ध्यान रखना है ना, संयम भी बनाए रखना है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा कि जब मेरे बच्चे सो रहे थे मेरे लाल सारे, श्याम सुंदर तुम्हारे सहारे, तुम्हारे तो नाम कृष्ण भगवान सर नीचे कर लिए। भीमसेन बहुत मोटी बुद्धि का था, उस परिस्थिति में भी कहा अब बोलो, मेरे सोते समय जिसका नाम ले वो रक्षा करता है, और आपका ही नाम लेकर चलाया गया था तो आपने रक्षा क्यों नहीं किया? अब तो कृष्ण तक चली गई बात। तब कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन आंसू पोंछो, जब इतनी बात हो गई कि मेरा नाम लेकर के, ध्यान रखिएगा, अगर भगवान कृष्ण का नाम लेकर के आप सो गए या बच्चे को सुला दिए, सुबेरा सकुशल होगा, सुप्रभात अच्छा होगा, रात में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। और कृष्ण भगवान जब सुनते हैं कि रो दिश्रुमुखी मोहो, रो रो करके द्रौपदी कहती है, तब कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन आंसू पोंछो। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा अब पहुंचने के लिए बचा ही क्या है? बोले पहुंचो। बोले अर्जुन तुमने कभी मौत देखी है? बोले साक्षात को नहीं देखी है।
बोले इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई लड़ गए 18 दिन, मौत कभी नहीं देखी। कृष्ण ने कहा अर्जुन हमने भी कहीं देखी, पूरे महाभारत में मौत नहीं देखी, आज द्रौपदी की आंखों में मौत देख रहा हूं। अर्जुन आंखों पर आंसू पोंछो, इसकी आंख में मौत दिख रही है। अर्जुन मौत को जानने के कई तरीके हैं। अगर मृत्यु को जानना हो तो रोज सवेरे उठ करके आंख धोइए और दोनों आंखों से ये भौं के बाल देखो, 3 बार देखो ऐसे करके। जब तक ये भौं के बाल दिखेंगे तब तक मौत आपके नजदीक नहीं है। और अर्जुन अगर 8 दिन लगातार ये भौं के बाल न दिखें तो ठीक 16वें दिन तुम्हारा टिकट कट जाएगा पक्का। अब इस श्लोक की व्याख्या थोड़ा संभल के करिएगा। अब जन्म से अंधा व्यक्ति को ना दिखे तो उम्र थोड़ी जाएगा, मोतियाबिंद हो गया है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। सहज हो, अच्छी आंखें हो, रोज दिखता हो, अचानक 8 दिन लगातार दिखना बंद हो जाए तभी कटेगा। अर्जुन से कहते हैं दूसरी मृत्यु के नजदीक आने का तरीका है कि रोज सवेरे जगने के बाद सूर्य भगवान को जल दो और जल देने के बाद लोटा नीचे रख दो और दोनों हाथ ऐसे ऐसे अंगुली ऐसे डाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए और एकदम हृदय के बीच में दोनों स्तनों के बीच में ऐसे करिए और दोनों आंखों से नाक का अगला हिस्सा देखिए। मनोनाशाग्र दृष्टि मृत्यु को समझने के दूसरे तरीके, और ऐसे देखो जब तक दिख रहा है मौत नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले राजा महाराजा लोग बड़े वीर हुआ करते थे, वीर नहीं दिमाग से काम करते थे। कोई भी जब सामने सिर दिखाई देता था तो राजा ये नहीं कहता था अपने बेटे से बेटा शिकार करो, आप ग्रंथ पढ़कर देखिएगा सीधे नहीं कहते थे शिकार करो। राजा कहता था बेटा दोनों आंखों से देखो नाक दिखाई दे रहा है, वो कहता था हाँ दिखाई दे रहा है, बोले दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, बोले शेर को शिकार करो, क्योंकि उसको विश्वास था कि अगर नाक दिख रहा है तो शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मौत नहीं है। सांप काला नाग है, अगर राजा ने कह दिया बेटे से दोनों आंखों से एक भौं के बाल दिख रहे हैं, बोले हाँ हाँ दिख रहे हैं, बोले सांप पकड़, विश्वास था। ये कसौटी है और अगर नहीं दिख रहा है तो शेर खा जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो सर्प काट लेगा, मौत हो जाएगी, संभल के रहना। माने अपने शरीर में ही मौत के लक्षण हैं। अगर 3 दिन लगातार ये नाक न दिखे ऐसे न दिखे तो समझ लो ठीक 8वें दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी। और ये दूर छोड़िए, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा ये सब हमको क्यों समझा रहे हैं, बोले जानते हो पुरुष का दाहिना और स्त्री का बायां पैर का अंगूठा अगर अचानक पीला पड़ जाए तो समझ लो 24 घंटे के अंदर शरीर छूट जाएगा। और अर्जुन रोते तो हमने बहुत देखे हैं, बच्चे मरते बहुत देखे, आज पहली बार देखा द्रौपदी के पैर के बाएं पैर का अंगूठा पूरा पीला पड़ गया है, अब ये मरेगी। पिता की मृत्यु महाभारत में इसने बर्दाश्त कर लिया, भाई के मृत्यु इसने बर्दाश्त कर लिया, शीरहरण भी बर्दाश्त कर लिया, 13 वर्ष का वनवास भी बर्दाश्त कर लिया, महाभारत के इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अर्जुन एक मां अपने सामने 5 पुत्रों की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अब ये मरेगी। अर्जुन मैं चाहता हूं कि द्रौपदी मरे ना। बोले आप ऐसा क्यों चाहते हैं प्रभु, अब तो पुत्र होंगे नहीं, समय उम्र पूरी हो रही है और बिना बेटे की तड़प तड़प कर मरेगी, इससे अच्छा जाने दीजिए। कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, मैंने यमुना का जल लेकर के सौगंध खाया है,
कि द्रौपदी को एक दिन महारानी के सिंहासन पद पर बैठाऊंगा, और अगर इस सिंहासन पर बैठे बिना ये चली गई तो ये दुनिया कहेगी कृष्ण का सपना अधूरा रहा। अर्जुन आंसू पोंछो। अर्जुन ने कहा क्या मेरे आंसू पोंछने से नहीं मरेगी? बोले हाँ, यही तो मतलब है श्रीमद् भागवत को, यही तो देखे, यही तो भगवान कहते हैं। आप जानिएगा मरते हुए व्यक्ति को भी कैसे रोका जा सकता है, ये सूत्र देखिए। तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरया ततायिनः गांडीव मुक्तैः विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नाशि दग्धपुत्रा। क्या शब्द है, मरते हुए व्यक्ति को भी कैसे रोका जा सकता है। कुछ सूत्र जरा यहां पर सीख लीजिए। कृष्ण भगवान की वाणी है, अर्जुन जाओ आंसू पोछो, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे आंसू पोछना, नहीं मरेगी। आंसू पोछने का भी तरीका जानना चाहिए। कभी किसी को रोते आपने चुप कराया है परिवार में, कि रुलाया ही रुलाया है? आप आंसू पोंछने का तरीका देखिए। श्रीमद् भागवत में हंसने का तरीका है, आनंद लेने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, सोने का तरीका है, रोने का भी तरीका है। रोने के और हंसने के तो कई बार भागवत जी में आया है। रुदनम सुस्वरम राजन रुदनम शैव वै विधि, विधि से रोना चाहिए। हास्यं च परमानंदम, हंसना भी विधि से चाहिए। ये भागवत जी का श्लोक है। और आजकल के व्यक्ति को न हंसना आता, न रोना आता, न उठना आता, न बैठना आता, न प्रणाम करना आता। दुख इस बात का है, इतनी भागवत हो रही है लेकिन फिर भी अगर ये सब नहीं आए तो फिर मतलब क्या हुआ? आपको पता है एक भागवत, एक समय था एक भागवत कहीं भारतवर्ष में होता था और आधा भारत मुक्त हो जाता था। आज गली गली भागवत हो रही, महीने में तीन तीन हो रही है, फिर भी इतना मच्छर पैदा हो रहे हैं, कुकुर बिलारी इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों? ये सब भी सोचना पड़ेगा। तरीके से देखिए, श्रीमद् भागवत में तरीके आते हैं। और यहां भगवान कहते हैं कि जाओ अर्जुन पहुंचो। आप कैसे पहुंचना है आंसू, जरा सुन लीजिए। मैं श्लोक सुनाता हूं, उसके पहले थोड़ा इसका भाव देख लीजिए। ये दोनों उंगलियां हैं तर्जनी। कोई भी अगला रोता हुआ व्यक्ति हो, ध्यान दीजिएगा, अगर पत्नी रोती हो बराबर, रोने का कारण कुछ भी हो, गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बेटे का दुख हो, चाहे बहू का दुख हो, पति से दुख हो, कोई भी दुख हो, अगर पत्नी बार बार रोती हो तो एक काम ऐसा कर दीजिए कि उसका रोना बंद हो जाए। क्या करेंगे? थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। इसके लिए भगवान कहते हैं कि पति अगर दोनों हाथों की दोनों तर्जनी अंगुली से अगर दोनों आंख के आंसू ऐसे पहुंच कर और उसी के सिर पर ऐसे छिड़क दे, जिंदगी में हमेशा के लिए रोना बंद। ये अनुभव कभी करिएगा, श्रद्धा से प्रेम से। रोना बंद का मतलब जिस लिए वो रो रही है वो समस्या का समाधान हो जाए। बेटा नहीं है, बेटा होगा। गरीबी है, गरीबी दूर हो जाए। क्योंकि यह वाक्य शास्त्र का कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता है। पति कभी भी अपने पत्नी की खुशहाली के लिए, उसके आंसू कभी नहीं आए इसके लिए ये दो अंगुलियां। पुत्र अगर परेशान है बार बार, एक पिता अपने पुत्र का रोना जब देखे तो उसमें बीच वाली दोनों अंगुलियों से आंसू पहुंचे, लेकिन वह आंसू उसके सर पर न डाल करके दोनों बगल में डाले, ऐसे उसका काम हो जाएगा। सारा गुण तो छिपा है महाराज इन आशीर्वादों में। तब
तब ये बताया गया है कि माता पिता का सम्मान क्यों करना चाहिए, सास ससुर का सम्मान क्यों करना चाहिए, पति का सम्मान क्यों, बड़े भाई का सम्मान क्यों। इसलिए ब्रह्म भी जब धरती पर आया राम बन करके, तो उस राम को भी सिखाया गया कि प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु। त्रिलोकी जिसको नमस्कार करती प्रणाम करती है, वो ब्रह्म भी धरती पे आकर के सवेरे माता पिता को नमन करता है। कुछ तो राज है, ऐसे ही नहीं लिखा गया, कुछ तो रहस्य है। इसलिए बेटा अगर बेटे की परेशानियां हो अगर, लेकिन देखना पड़ेगा मौका। कभी कभी बेटे बहुत भाग दौड़ में इतनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, बार बार परेशानियों में जब काम नहीं बनता तो ग्लानी में आकर के रोने लगते हैं। अब मौका ताको, पिता हो ना, मौका देखो। पिता की जगह बड़ा भाई भी दर्जा ले सकता है, और अगर पिता भी नहीं हो और बड़ा भाई भी नहीं हो तो यह काम माँ भी कर सकती है, ये ध्यान रखना है। कहीं बार बार नौकरी में आया और लगा कि नौकरी लग गई, लेकिन वो नौकरी से लौट के आया नौकरी नहीं लगी, और जब पिता ने पूछा बेटा काम हो गया, तो ग्लानी में आकर रो पड़ा, नहीं बाबा। जैसे उसके आंसू निकले तुरंत उसका लाभ लो, तुरंत बीच वाली अंगुली और दोनों तरफ गिरा दो, अगले इंटरव्यू में पास हो जाएगा, सफलता मिलेगी। यह भागवत है, यही जीवन है मेरा। इसलिए कहते हैं कि पत्न्या श्रोमुखी कश्चिद् तर्जन्यां वै श्रीवेत् पुनः, तर्जनी इसको कहते हैं, मध्यमायां च वै पुत्राः, पुत्र की वेदना दूर करने के लिए बीच वाली उंगली का प्रयोग करें। और कभी कदाचित अगर बेटी दुखी हो तो उसके लिए अनामिका। कभी कभी बेटियां भी दुखी हो जाती हैं, और दुखी हम ही लोग के कारण होती है। अगर पहुंच सकेंगे तो आज वहां तक पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो विदाई के समय एक गलती हम लोग कर देते हैं जिसके कारण बेटी दुखी रहती है। ये भी भागवत जी में है, लेकिन मैं वहां पहुंचूंगा तब बताऊंगा। और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इस धरती में ये पृथ्वी जब पहली बार स्थापित हुई थी और पहला कन्यादान जिसका हुआ था, उस समय की बात है। केवल इतनी चीजें संभाल कर रख लिए, जीवन में हमें सुखी रखना है बेटा बेटी को तो मौका मत छोड़िए। यही बात भागवत जी में बताया गया है। मोटी भाषा में इतना कह लीजिए, पुरुषों का 16 संस्कार और स्त्रियों का 16 श्रृंगार, इसी में सारी दुनिया बंधी है। आज न 16 श्रृंगार किसी को पता है माताओं को, और न 16 संस्कार मेरे भाइयों को पता है। 16 संस्कार और 16 श्रृंगार में ही ताना बाना है पूरा। और व्यक्ति बोल रहा है, मेरे पास तो कई लोग आते हैं कुंडली दिखाने, महाराज बच्चा पढ़ता नहीं है, कुछ ऐसा बताए। हमने कहा तुमने कुछ किया? अरे हम कहते कुछ भी नहीं करते, बिना पैसे का एक संस्कार है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहली बार जब पिता की गोदी में आता है तो उस समय कौन संस्कार होता है? जात कर्म। सुने होंगे भागवत कई बार हुई है, पहला संस्कार जात कर्म। तो जब पिता अपनी गोदी में लेता है, पिता का कदाचित नहीं है, कभी कभी होता है ना कि पेट में ही है तो चला गया दुनिया से, तो काम मां करेगा। पहली बार जब बच्चे को लेंगे पिता अपनी गोदी में, तो ये छोटी वाली अंगुली शहद के डिब्बी में डूबो दोगे, पूरा इतना शहद में डूब जाएगी। आओ उस बच्चे के जीव में लिखो ओम, फिर बच्चा ऐसे करने लगे, जब तक नहीं करता है तो फिर लिखो। अगर वो तो पहली बार में कर देगा, जब मिठास लगेगी तो अपने आप शहद, शहद समझते हैं ना, मधु, मधु समझ रहे हैं? उसको लगा लगा। और जब ऐसे चाटने लगे तो उसके कान में रहने वाले धीरे से बोलो ज्ञातोषी। ये संस्कृत शब्द है वेद का ज्ञातोष। अगर ये नहीं आता है तो इसी को हिंदी में बोल दो, ज्ञातोष माने ज्ञानी बनो, बस एक ही बार बोलना है। और उसके बाद दूसरी बार फिर जीभ में शहद से, शहद मधु से चटाओ। और जब दूसरी बार फिर ऐसे करे तो बाएं वाले कान में बोलो शतायुर्भव। शतायुर्भव अगर संस्कृत में नहीं आता तो हिंदी में बोल दो, शतायुर्भव माने होता है 100 साल जियो मेरे लाल।
इतना बोल दो दुनिया का एक नंबर का ज्ञानी बनेगा और 100 साल लंबी उम्र जिएगा सारा कंटक दूर। अरे इतनी छोटी सी बात है लेकिन इतनी छोटी सी बात समय चूक जाने पर सारी जिंदगी वो लड़का बोझ बन करके रहता है, स्वयं वो दुखी रहता है, माई बाप को भी ग्लानी में रखता है। तो माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं? इसलिए भागवत सुनाई जाती है, इसलिए भागवत कितनी प्रधानता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भागवत में 16 संस्कार का वर्णन भी है, 16 श्रृंगार का भी वर्णन है। पर क्या ऐसी चीज दुनिया में है जो भागवत में नहीं है? सीधे सीधे व्यास जी कहते हैं, किसी ने पूछा व्यास जी से कि भागवत में क्या लिखे हो, बोले ब्रह्मांडे कीदृशम अस्ति यद नास्ति भागवतालये। मरे कौन ऐसी चीज है ब्रह्मांड में जो भागवत में नहीं है? अर्थात भागवत में सब कुछ है, कोई कुछ भी प्रश्न करो श्रीमद् भागवत में सब कुछ। इसलिए कभी भी ध्यान दीजिए, अर्जुन को जब भगवान ने बार बार कहा कि जाओ आंसू पोंछो, हाँ एक बात तो मैंने करना भूल दिया कि ये छोटी वाली उंगली है ना, कभी भी शत्रु को आंसू अगर पोंछना हो शत्रु को तो छोटी वाली उंगली से पोंछो। जीवन में कभी शत्रुता हो ही नहीं सकता, लेकिन संभल के, शत्रुआई जब है तो इतने नजदीक जाने थोड़ी देगा, संभल करके। लेकिन कभी कभी होता है कि शत्रु भी दुखी होकर रोने लगता है, विपत आती है, तो मौका अगर मिले, अब भीतर का कुछ है मलाल तो मौका लो, तो जब उसको आंसू पहुंचाओ। अब दिखावटी में ऐसे मत करो, नहीं सोचेगा तंत्र मंत्र कर रहा है, ऐसे करके लिखी ये अंगुली वाला ऐसे कर लो। अगर ये दोनों थोड़ा सा भी आंसू पोंछने में लग गए, जिंदगी भर के लिए उसकी आदि औलाद तुम्हारे परिवार की मित्र बनकर के रहेगी, कभी भी संकट नहीं पैदा करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये उंगलियों का बड़ा खेला है, इसलिए कहते हैं उंगलिया अग्रे तपो वृद्धि मध्य चायुष्य संचय। अंगुली का बड़ा महत्व है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि जाकर आंसू पोंछो, तब अर्जुन जाकर के ऐसे पोंछता है कि तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे। जब आंसू पोंछने लगे तो भगवान ने कहा कुछ बोलो भी बोलो। अर्जुन ने कहा क्या बोले, तो अर्जुन बोलता है सुनिएगा। अर्जुन ने कहा कि भद्रे देवी द्रौपदी, मैं गांडीव मुक्तगी, गांडीव धनुष की सौगंध खा करके कहता हूं कि इन 5 मरे हुए बच्चों का अंतिम संस्कार मैं तब करूंगा जब इसे मारने वाले अश्वत्थामा के मस्तक काट करके उसके रक्त से तुम्हारे बाल को धोऊंगा और बालों को उसी रक्त से धो करके बिखेरूंगा, तब इन बच्चों का अंतिम संस्कार करूंगा मैं, ये मेरा संकल्प है। तो आक्रम्य यस्नाश्यजिदग्ध पुत्राः। इतना सुनते ही द्रौपदी व्याकुल हो गई। अब जरा देखिए ये द्रौपदी की अंतिम परीक्षा, द्रौपदी व्याकुल हो गए। देखिए परीक्षाएं तो यहां बहुत है, कुंती की भी परीक्षा, उत्तरा की भी परीक्षा और द्रौपदी की भी परीक्षा, तीनों एक साथ देख लेते हैं। द्रौपदी घबरा कर कृष्ण भगवान के पास गई। इस वाक्य को सुनिएगा बड़े गौर से, और कृष्ण भगवान से कहती आंचल फैला ली। इधर अश्वत्थामा भाग रहा था, पहले तो ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी प्रतिकार किया, शांत किया और बांध करके ले आया, और बांध करके प्रतिज्ञा कर लिया था मस्तक काटूंगा, बांध करके सामने खड़ा कर दिया। तो द्रौपदी कृष्ण के पास जाकर आंचल फैला दिया। एक नारी जिसके बेटे मरे पड़े हो, अगर भगवान से मांगना हो और आंचल फैलाई हो तो बोलो क्या मांगेगी? बेटा, आंचल फैला दिया। कृष्ण भगवान ने कहा बोलो कृष्णा क्या चाहिए? बोले आप तो समझ गए होंगे प्रभु, जब दोनों हाथ उठा देने से द्वारकाधीश तुमने साड़ियां बढ़ा दी थी, तो आज आंचल उठा देने से भी तो आप समझ ही गए होंगे। हाथ उठा देने से तुमने साड़ियां हजारों में बढ़ाई थी,
आज उसी साड़ी का एक हिस्सा आंचल आपके सामने उठा रहे हैं। ये साड़ी भी आपकी दी हुई है। बोले क्या चाहिए? बोले आप तो समझ गए होंगे। बोले एक नारी आंचल फैलाती है तो पुत्र मांगती है, क्या तुम्हें पुत्र चाहिए? बोले हाँ। कितना बड़ा कलेजा है द्रौपदी का इस कथा में। आप भगवान करे हमारे इस भारत वर्ष की धरती पर ऐसी माताएं हमेशा जन्म ले, हमेशा जन्म ले। द्रौपदी ने आंचल फैला दिया और कहा पुत्री तो चाहिए। कृष्ण ने कहा पांचों पांचों चाहिए। बगल में नारद जी ने कहा प्रभु लगता है ये मरा हुआ बेटा वापस मांग रही है। कृष्ण ने कहा नारद इसने जीवन में मुझे बहुत सम्मान दिया है, कठिन परिस्थितियों में भी मेरा ध्यान कभी नहीं छोड़ा। आज अगर ये मरा बच्चा भी मांग लेगी ना तो मैं नियम तोड़कर प्रकृति का मैं बेटा वापस कर दूंगा, कर दूंगा। देखिए द्रौपदी की बात कौन जाने। द्रौपदी आंचल फैला के कहती है नहीं प्रभु पांचों नहीं एक। चाहे तो पांचों मांग सकती है लेकिन पांचों में एक ही क्यों मांग रही है? कृष्ण ने कहा सारी दुनिया तो ये आज तक जानती थी कि पांच पतियों में सबसे ज्यादा तुम अर्जुन को मानती हो। आज दुनिया ये भी देख लेगी कि पांच पुत्रों में सबसे ज्यादा तुम किसको मानती हो। बोलो द्रौपदी पांच में से किसको जिंदा करना है? तब द्रौपदी ने कहा प्रभु जो ये मर गए हैं इनमें से कोई नहीं, जो मरने वाला है उसकी भीख मांग रहे हो। बोले मतलब? बोले जो मर गए हैं इनके अपने कुछ प्रारब्ध रहे होंगे, मेरे कुछ प्रारब्ध रहे होंगे। ये तो क्रियमाण कर्मों का, संचित कर्मों का खेल है, हम उसके विरुद्ध क्यों लड़ेंगे? हे कृष्ण इन पांचों के लिए हमने आचरण नहीं फैलाया। मेरा पति अर्जुन प्रतिज्ञा कर लिया है अश्वत्थामा का सर काट देगा, आप इस बच्चे की भीख मुझे दे दो, इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। जो इतना शब्द कहा आप कृष्ण के आंखों में कभी आंसू नहीं पाए होंगे, लेकिन ये श्लोक कह रहा है ये शब्द सुनते ही मेरे प्रभु की आंख भर गई। आकाश से पुष्प वर्षा कर दिया देवताओं ने, द्रौपदी की जय जयकार होने लगी। कृष्ण कन्हैया ने कहा कृष्णा तुम बहुत भोली हो, पांच पांच बेटों को जिसने मारा उसको तुम भीख मांग रही हो जीवन। द्रौपदी ने कहा कृष्ण आप नहीं समझे, मैं अश्वत्थामा को नहीं बचा रही हूं, ये तो पापी है, जिंदा रहेगा तो फिर कभी पाप करेगा। बोले भीख तो इसी की मांग रही हो? बोले नहीं कृष्ण मैं अश्वत्थामा पे दया नहीं कर रही हूं। आप जानते हो कृष्ण बच्चे मरने के बाद मां को कितनी तकलीफ होती है? कृष्ण द्रोणाचार्य की पत्नी जो गौतमी है ना उसको एकलौता बेटा यही है, जब ये मरेगा तो इसकी माँ भी मेरी ही जैसी रोएगी ना। हे कृष्ण अब इस धरती पर किसी माँ को मत रोने दो, अब उसके आंसू मत गिरने दो, इसको बचा लो। और इस